राजस्थान में उदयपुर के आदिवासी बाहुल्य इलाके मांडवा में गुरुवार शाम रनिया गैंग के एक हिस्ट्री शीटर को पकड़ने गई पुलिस पर ग्रामीणों ने हमला बोल दिया। पुलिस कर्मियों पर इस दौरान 2 दर्जन से ज्यादा ग्रामीणों ने एक साथ पथराव कर दिया। इतना ही नहीं, इन ग्रामीणों ने पुलिस कर्मियों पर चाकू से भी हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि इस घटना में SHO उत्तम सिंह और कांस्टेबल मनोज समेत 6 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। सभी घायल पुलिसकर्मियों को शहर के AMB अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां कांस्टेबल मनोज की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं उदयपुर रेंज के IG अजय पाल लांबा भी घटना की जानकारी मिलते ही ASP विकास शर्मा के साथ अस्पताल में पहुंचे और घायलों से मुलाकात की। IG अजय पाल लांबा ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिलने के बाद पुलिस रनिया गैंग के हिस्ट्री शीटर को पकड़ने के लिए गांव में गई थी। जैसे ही पुलिस बदमाश के घर पहुंची तो रिश्तेदारों ने पुलिस को चारों तरफ से घेर लिया और राइफल और पिस्टल समेत अन्य हथियार छीन लिए। इस दौरान पुलिस को घेर कर ग्रामीणों ने हिस्ट्री शीटर को भगा दिया। ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर चाकू और डंडों से हमला किया और फायरिंग करने की भी कोशिश की। वहीं अब इस पूरे मामले के बाद सियासत गर्मा गई है। इस पूरे मामले पर BJP नेता और जयपुर ग्रामीण सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कांग्रेस को जमकर घेरा है। उन्होंने घटना पर ट्वीट करते हुए कहा कि कांग्रेस जंगल राज में बदमाश किसी को भी मार देंगे, गला काट देंगे, अपहरण कर लेंगे, पत्थरबाजी दंगा तक कर देंगे। मंडुआ में आज थानेदार सहित 5 पुलिसकर्मियों को गोली लगी है। BJP सांसद ने आगे लिखा कि सत्ता में कांग्रेस नामक ऐसा कलंक बैठा हुआ है जिसने राजनीतिक स्वार्थ के लिए कानून व्यवस्था खत्म कर दी है। उन्होंने आगे लिखा कि जो पुलिस बल इतना सक्षम है और उसके पांव में बेड़ियां डाल दी हैं, ऐसी सरकार का 1 मिनट भी सत्ता में रहना नुकसानदायक है। साथ ही राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने घायल पुलिसकर्मियों के जल्द स्वस्थ होने की भी कामना की है।